उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेतों में काम करने की अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं। जहां एक तरफ लोग पलायन कर रहे हैं, वहीं आज भी स्वाट गांव के लोग हुड़की बॉल से खेतों की गुड़ाई, निराई और रोपाई करते हैं। पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी ने बताया कि जब गांव के लोगों के पास आय का कोई स्रोत नहीं था तो वो खेतों में निर्भर रहते थे। उनके खेत बड़े बड़े होते थे, उसमें रोपाई में कई दिन लग जाते थे, इसलिए खेतों में काम करने के लिए हर परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार के खेतों में काम करवाते थे। लेकिन अब ये परंपरा मानो खत्म हो गई है। वही सेवानिवृत्त तहसीलदार जयबीर राम बधाड़ी ने कहा कि जो लोग गांव में हैं, वो आज भी अपने पूर्वजों की परंपराएं जीवित रख रहे हैं। इन परंपराओं को हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जिंदा रखना होगा। हुड़का बाधक तिलोक राम ने कहा कि हुड़की बॉल की रीति रिवाज हमारी पूर्वजों की देन है, लेकिन आज ये समाप्त हो रही है। खंड के ग्रामीण क्षेत्रों की भी देखने में अलग परंपराएं हमको नजर आती हैं। हमारे पूर्वजों की जो ये परंपराएं हैं, आज भी हमारे वर्तमान समय में भी वो हमारे गांव में जीवित है। आज मैं जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम सवाड़ में आया हुआ हूं और यहां ग्रामीण क्षेत्रों का जो यहां पर गुड़ाई निराई का काम किया जाता है वो हुड़की बॉल के माध्यम से किया जाता है। तो हमारे यहां पर पुरानी परंपराओं को जीवित बनाए हुए त्रिलोक राम जी, उन्होंने हुड़की बॉल के माध्यम से आज खेतों की गुड़ाई की है। इसके पीछे का मंतव्य यह है कि लोग गुड़ाई करते समय थके नहीं, किसी तनाव में न रहे और खुशी दिल से जो है कि वो खेती का काम कर पाए। हुड़की बॉल का जो ग्रामवासियों ने जो सहयोग हमको दिया और ये हुड़की बॉल हमारी एक पुरानी परंपरा से पूर्वजों से चली आ रही है और अभी मैं सब ग्रामवासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी पुरानी परंपरा को कभी मत छोड़ना, ऐसे चलाते रहना। इस गांव की परंपरा, इस किसान की परंपरा को अपने कार्यकाल में भी, अपने जीवन में भी, अपनी माताएं बहने से भी कार्यक्रम को गुड़ाई निलाई खेती का काम हुड़की बॉल के माध्यम से हम लोग इस काम को करते हैं, आज भी करेंगे, भविष्य में भी इसको करते ही रहेंगे। इसको कभी हम अपने वहां से लुप्त नहीं होने देंगे।